स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिएगा, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, और ये मेथड आपको हायर क्लासेस में भी आगे काम आने वाला है। और अगले पार्ट में हम समझेंगे व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट इज द यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो स्टूडेंट, लॉन्ग डिवीजन समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 15 और ये 6, 15 को 6 से डिवाइड किया, 6 टू जा 12, रिमाइंडर आया 3। अब इसको हम एल्गोरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गया हमारा डिविडेंड। डिविडेंड क्या है हमारा 15, डिवाइजर जिसने डिवाइड किया वो 6, क्वेश्चन क्या आया हमारा 2, और लास्ट में रिमाइंडर क्या बचा हमारा 3। तो ये एल्गोरिथम डिवीजन कहलाता है, एल्गोरिथम डिवीजन एक्सप्रेशन। इस फॉर्म में हमको अरेंज करना आना चाहिए। तो हम यहाँ अगर वेरीफाई कर पाए तो इसको वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 6 टू जा 12 प्लस 3 15, तो मतलब हमारा डिवीजन सही है। तो ये एल्गोरिथम आगे चल के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसको डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई करो कि ये डिवीजन सही है कि नहीं। तो इसको सिंपली हमने करके देखा, 6 टू जा 12 प्लस 3 15, 15 इज इक्वल टू 15, वेरीफाइड। तो ये आपका काम आता है डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफिकेशन के लिए। अब इसी को एल्जेब्रिक फॉर्म में हम समझें। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स माइनस वन, और दूसरा लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मीन्स हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है जिसको एक दूसरे पॉलिनोमियल x माइनस वन से डिवाइड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या करते हैं यहाँ पर, एक ऐसा नंबर हम यहाँ लेंगे जैसे यहाँ हमारा आएगा x, ताकि ये x और एक्स स्क्वायर होके इसको कैंसिल कर दें, मतलब हम डिग्री वाइज कैंसिल करेंगे। पहले टर्म को हमें कैंसिल करना है तो हम 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, ओनली x ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ मान लीजिए 2 होता, मैं बता रहा हूँ उसको करके 2 होता, तो हमें क्या लेना पड़ता, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, तो ये कैंसिल होता। लेकिन अभी हमारा 2 नहीं है तो हम 2 नहीं ले रहे हैं, 3 होगा तो 3 लेंगे, 4 होगा तो 4 लेंगे, माइनस 1 होगा तो माइनस लेंगे। तो अभी हमको क्या करना है स्टूडेंट, इस एक्स स्क्वायर को रिमूव करना हमारा पर्पस है। तो उसके लिए हम x लेंगे, एक ऐसा नंबर, इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया यहाँ एक्स स्क्वायर। अब इसको किया तो मतलब पूरे में ही मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 से किया तो क्या आया, माइनस एक्स। अब इससे आगे कुछ नहीं है तो लाइन ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ साइंस चेंज होंगे, जो साइन है ना, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं मींस प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस। अब हम एन साइंस को भूल जाएंगे स्टूडेंट। अब इसको और इसको देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। यही हमारा पर्पस है, एक एक करके कैंसिलेशन करना है। अब माइनस को आप भूल जाइए, इसको हमने अपोजिट कर लिया, माइनस भूल जाइए, प्लस है 2x, x कितना आ जाएगा 3x, और ये एज इट इज। अब मेरा पर्पस क्या है, 3x को रिमूव करना। तो 3x को रिमूव करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि यहाँ 3x आ जाए, इससे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूं, प्लस 3 से, माइनस से नहीं। माइनस यहाँ होता तो मैं माइनस 3 से करता ताकि माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाए, लेकिन अभी प्लस है तो 3x इंटू, इसमें माइनस में करेंगे माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3। ये कैसे आया, मैंने यहाँ x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 3x माइनस 3, जिसको मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ फिर से साइन चेंज, ये प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का प्लस। अब इन वाले साइंस को हम भूल जाएंगे, इन साइंस को भूल जाएं, यहाँ कुछ नहीं है तो ये आपस में हो गए कैंसिल। अब माइनस को आप भूल जाइए, जैसे यहाँ भूल गए थे हम 2x और x कितना था 3x, अब इसको हम भूल गए तो 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा रिमाइंडर जो आ गया वो क्या आ गया 6। अब स्टूडेंट इसको हम एल्गोरिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो हमारा एल्गोरिथम फॉर्म क्या है, डिविडेंड, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देन डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड में क्या है हमारा, ये पॉलिनोमियल जिसको हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, डिवाइजर में क्या है x माइनस 1, इनटू क्वोशेंट में क्या है x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर में है 6।
अब यहाँ हम इनको मल्टीप्लाई करें और 6 को प्लस करें तो यही आना चाहिए, वो आप करके देख सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अब ये वेरीफाई करने को आपको एग्ज़ाम में आ सकता है और 10th क्लास में तो है ही ये सिलेबस में वेरीफाई करने को, बट 9th क्लास में लॉन्ग डिवीज़न है तो ये भी आपको आ सकता है, तो इसकी आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। अब आगे चले हम समझें कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, रिमाइंडर थ्योरम क्या है एक्चुअली, कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल हम सपोज कर लें और इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया एक्स माइनस ए से। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्वेश्चन जो भी आएगा बट यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, तो ये जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज इक्वल टू पी ए। देखिए इस रिमाइंडर थ्योरम को बिल्कुल ही वन शॉट इजी करके मैंने बता दिया कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जैसे ये मान के चलें, और x माइनस ए एक ऐसा नंबर पॉलिनोमियल जिससे हमने इसको डिवाइड किया, तो क्वेश्चन जो भी आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन नीचे जो रिमाइंडर आएगा उस पर ध्यान देना है आपको, वो क्या आएगा पी ए। पी ए ध्यान दीजिए, पी ए क्या होता है, अभी पिछले पार्ट में पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि x की जगह पर हम क्या रख देते हैं a, तो मतलब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर हम a रख देंगे। अब a क्या है, एनी रियल नंबर, कहाँ पर है वो, यहाँ पर, तो यहाँ हमारा a क्या है 1, तो 1 को हम यहाँ रख देंगे तो हमें डायरेक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। आइए इसको रख के देखते हैं हम। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारा पी एक्स है टोटली पॉलिनोमियल, तो यहाँ मैं समझने के लिए आपके लिख देता हूँ, दिस इज पी एक्स एंड दिस इज एक्स माइनस ए एंड दिस इज अवर कोशेंट और ये हमारा क्या है रिमाइंडर। अब हम चेक करते हैं इस थ्योरम से क्या रियली यही आता है, तो पी एक्स में हम मतलब पी एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 3। नाउ एक्स माइनस ए से डिवाइड किया मतलब एक्स माइनस 1 से, तो ए क्या है हमारा यहाँ पर कंपेयर करिए 1। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग 1, तो देखें क्या आता है 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 एक्स की जगह प्लस 3। इसको कैलकुलेट किया 2 प्लस 1 3, 3 एंड 3 6, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 6। तो देखिए रिमाइंडर क्या हो गया हमारा पी ए। तो मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर आपको कहा जाए फाइंड द रिमाइंडर और लॉन्ग डिवीज़न मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो आपको लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग डिवीज़न में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं अगर प्रैक्टिस नहीं हो, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कहा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कहा गया फाइंड द रिमाइंडर ओनली, मान लो ये क्वेश्चन क्या होता कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, दो स्टेप में हो गया। देखिए तीसरे में आंसर आ गया पी एक्स, ये लिखा एक्स माइनस ए मतलब एक्स माइनस 1 में हम क्या लेंगे 1। यहाँ पर हमारा क्या था जो x माइनस 1, तो x माइनस 1 में से हमने क्या लिया 1, यहाँ पुट किया p1, तो हमारा रिमाइंडर डायरेक्ट आ गया 6। तो स्टूडेंट ये आपने देखा रिमाइंडर थ्योरम होती है जिसका इजी एक्सप्लेनेशन एंड ये विद एग्जांपल कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है टू फाइंड आउट द रिमाइंडर विदाउट लॉन्ग डिवीजन मैथड। अब स्टूडेंट अगले पार्ट में हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज़ क्या है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट वीडियो।